जानवरों को अक्ल नहीं दी, इंसानों को अक्ल दी। जो जितना अजीम इंसान होता है वो उतना ही अक्लमंद होता है। सेकुलर साइंस गांधी जी को देख लीजिए आप, एक अजीम इंसान थे, हिंदू तत्व से क्या होता है, अक्ल कितनी थी, अंग्रेजों को बचा दिया उन्होंने। तो अक्ल के जरिए से इंसान को शरफ मिलता है। जानवरों में इमोशन होते हैं, जानवरों में भावनाएं होती हैं। एक कुत्ता जा रहा हो, एक मासूम बच्चा, उसको एक ढेला मार दे, वो कुत्ता ये नहीं देखेगा ये बच्चा है कि बूढ़ा, वो झपट पड़ेगा उसको काट लेगा। इसलिए कि उसके पास जज्बात हैं, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं। अकल नहीं कि फैसला करे कि मेरा काटना सही होगा कि गलत होगा, बताया। तो जानवरों में जज्बात पाए जाते हैं, भावनाएँ पाई जाती हैं, इमोशंस पाए जाते हैं। इंसानों में अकल पाई जाती है, इंसानों में इंटेलेक्ट पाई जाती है, इंसानों में विजडम पाई जाती है। तो अब जो जितना जज्बाती होगा उतना ही वो हैवानियत से करीब, उतना ही वो दो टांगों पर खड़ा जानवर होगा। इस्लाम जानवरों को इंसान बनाना है या इंसानों को जानवर बनाना है।